आज हम डिस्कशन करेंगे इकाई एक विलयन। विलयन ये इकाई का नाम है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे अणुसंख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म आपका दो से चार नंबर में आता है, लॉन्ग में भी आता है और जो है कि आपका शॉर्ट में भी आता है। तो सबसे पहले आप अणुसंख्य गुणधर्म समझें। अणुसंख्य गुणधर्म के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ए हमारा विलायक है, बी आपका विलेय है। ये ध्यान रखना आप कि ए हमारा विलायक है, बी हमारा विलेय है। अब अणुसंख्य गुणधर्म है क्या? हमें ये बार बार अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ाया जाता है, उसकी डिफिनीशन बनाई जाती है, लेकिन आप अणुसंख्य गुणधर्म को समझ नहीं पाते। मैं आपको बताता हूं कि जैसे विलेय है, विलेय हमारा बी है। अब अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? तो किसी विलयन का वह गुण, किसी विलयन का वह गुण जो विलेय के संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर, उसे हम विलयन का अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। फिर से समझ ले, विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर, उसे अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। मान लीजिए कि यहां पर आपके लगभग 100 बच्चे बैठे हुए, कोई बाहर से आएगा तो ये सोचेगा कि यहां पर भीड़ ज्यादा है, अर्थात बच्चों की संख्या ज्यादा है। उसी तरह से अणुओं की संख्या ज्यादा है तो मतलब वह प्रकृति जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, न कि उसकी प्रकृति पर, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। उसी तरह से जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट का वह गुण जो बच्चों की संख्या पर निर्भर करे, न कि इंस्टीट्यूट की क्वालिटी पर डिपेंड करे, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म बोलेंगे। उसी तरह से याद रखना, किसी भी विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसे हम विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब इसी बात को हम लिख लेते हैं आपका, किसी विलयन का वह गुण, किसी विलयन का वह गुण जो विलेय को इन्वर्टेड कॉमन कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि प्रकृति पर, उसे अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। याद रखना, फिर से ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं अणुसंख्य गुण धर्म के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले तो रिलैक्स होकर के समझिए, अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या, गुण धर्म इसका मतलब उसकी ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। नाम में देखो छुपा हुआ है आपका, तो समझिए किसी भी विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या, ये देखिए अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब ये प्रकार, अब अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार
तो अब ये देख लीजिए आप इसके प्रकार, ये मुख्यतः जो आपका चार प्रकार का होता है अणुसंख्य गुणधर्म जो है आपका किसी भी विलयन का चार प्रकार का होता है। पहला मैं आपको बताता हूं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा आपका आता है हिमांक, हिमांक में अवनमन, अवनमन। थर्ड नंबर पे आपका आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन। फोर्थ नंबर पे आपका आता है परासरण दाब। एक बार फिर से देख लीजिए, अणुसंख्य गुणधर्म मुख्यतः चार प्रकार का होता है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब। इसी के बारे में हम इस वीडियो में हम आपका जो है कि क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दो के बारे में बताएंगे, और वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब को हम अगले वीडियो में अब बताएंगे आपको। फिर से समझ लीजिए, जस्ट वन सेकंड में आपका समझिए, एक मिनट में समझिए, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म किसी भी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म वह गुण है जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब अणुसंख्य गुणधर्म मुख्यतः चार प्रकार का होता है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब। तो पहली हेडिंग आपकी पढ़ती है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन तो एक्चुअली हम समझ क्यों नहीं पाते? साइंस को समझने के लिए हमें शब्दों की पकड़ होनी चाहिए। अब उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में वृद्धि। अब क्वथनांक में वृद्धि का मतलब क्या है अब समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बीकर ले लिया, इसको ध्यान से देखना, इसी से आपकी जो है परिभाषा बन जाएगी और इसी से आपका कंसेप्ट बनेगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनों को हम रट करके कोशिश तो कर लेते हैं, बट जब आता है आंकिक प्रश्न की तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, और उसे सॉल्व करने के लिए आपको जो है कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप समझ जाइए कि इसमें मैंने आपका, इसमें मान लीजिए कि हमने आपका, इसमें हमने आपका जो है कि विलायक डाला, विलायक, ये नीले कलर का जो है, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी या कुछ भी बेंजीन समझ लीजिए, कुछ भी, हमने ये विलायक डाल दिया, ये विलायक को, ये विलायक मैंने बताया था विलायक को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अब विलायक देखा, विलायक डाल दिया, इतने में समझ जाएगी कि मेरी गर्लफ्रेंड आई, गर्लफ्रेंड ने बोला चलो ये बताना कि इसका टेम्परेचर कितना है। मैंने कहा लो अभी बताता हूं, मैंने थर्मोमीटर लिया, इसमें डाला, अबे ये तो जो है कि 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस, ब्लैक। मुझे पता चल गया, थैंक यू गर्लफ्रेंड, मुझे पता चल गया कि
विलायक का जो ताप है मतलब क्वथनांक जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें मैंने जो है आपका विलेय डाल दिया, विलेय, विलेय को बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। विलेय डालने के बाद इसको मैंने घोल दिया, जब मैंने इसको घोल दिया तो ये क्या बन गया, विलयन, ये आपका विलयन बन गया। अब विलयन, अब विलयन बन गया, याद रखिए विलायक है, विलायक का जो ये ताप है इसको हम टी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी, बी का मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब हिंदी में होता है क्वथनांक। टी नॉट बी क्या है, विलायक का ताप, विलायक का ताप बोली या विलायक का क्वथनांक। अभी विलयन है, अभी विलयन है, अब जब ये हमारा विलयन बन गया, अब विलयन कैसे बना, पहले याद रखिए विलायक है, विलायक डाला, गर्लफ्रेंड ने पूछा कि इसका टेम्परेचर कितना, थर्मोमीटर डाला, थर्मोमीटर डाल करके मेजर किया कि ये 50 डिग्री सेल्सियस है, टी नॉट बी क्या हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसमें विलेय डाला, घोल दिया, विलयन बन गया। तो मेरी गर्लफ्रेंड जो है कि बोलती है पक्का इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, इसका क्वथनांक जो है पक्का बढ़ा होगा। मैंने कहा कि देखते हैं, मैंने थर्मोमीटर निकाला और थर्मोमीटर निकाल के सच में इसका तो टेम्परेचर बढ़ गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब 51 डिग्री सेल्सियस हो गया इसका टेम्परेचर। इसका मतलब विलयन का ताप हमें मिल गया टीबी, टीबी विलयन का ताप है, ये 51 डिग्री सेल्सियस है। अब 51 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत खुश हो गई हो कि मैंने बोला था कि विलायक के जैसे ही हमने विलायक में विलेय डाला तो विलयन बना, विलयन का ताप जो है 51 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ताप में कितनी वृद्धि हुई, ताप में कितनी, उसने तुरंत बोल दिया मेरी गर्लफ्रेंड ने, एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। मैंने बोला कैसे निकाला, तो उसने बोला कि मैंने क्या किया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मैंने क्या किया कि मैंने विलायक के ताप, विलायक का ताप क्या है टीबी, विलायक के ताप से मैंने, सॉरी विलयन के ताप टीबी, विलयन के ताप में से मैंने विलायक के ताप मतलब टी नॉट बी, याद रखना टीबी क्या है विलयन का ताप और टी नॉट बी क्या है विलायक का ताप। तो मैंने क्या किया कि विलयन के ताप में से मतलब 51 में से मैंने 50 डिग्री सेल्सियस मतलब 51 में से 50 डिग्री सेल्सियस को घटा दिया तो 1% आया, वही डेल्टा टीबी कहलाया। डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी आपका है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब परिभाषा कैसे बनाओगे, आसान हो गया, रटना नहीं आपको, विलयन के ताप टीबी है ना, विलयन के ताप तथा विलायक के ताप में अंतर को, ये देखो ये क्या है, रटो ना, रटो नहीं, ये क्या है विलयन के ताप, विलयन के ताप तथा ये क्या है विलायक के ताप माइनस, माइनस का मतलब अंतर को हम क्वथनांक में उन्नयन करते हैं, ये इसकी परिभाषा आ गई। फिर से ट्राई करते हैं, बोलो विलयन के ताप टीबी क्या है, विलयन के ताप तथा विलायक के ताप टी नॉट बी के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसी चीज को लिखते हैं यहां पर, हम कैसे लिखेंगे देखो इधर, विलयन की ताप, विलयन के ताप टीबी तथा विलायक, विलायक, विलायक के
ताप, विलायक के ताप ब्रैकेट में टी नॉट बी के अंतर को, अंतर को क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। देख लो डेल्टा टीबी इज इक्वल किसके, विलेयन के ताप, सोचना है हमको, विलेयन के ताप टीबी माइनस विलायक का ताप टी नॉट बी। हमें, हम इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। हम अब आगे चलते हैं इसके, अभी एक वर्ड होता है स्मॉल एम, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। एम, एम क्या है, मोललता, मोललता। तो जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी मोललता, मोललता, मोललता के अनु, के अनुक्रमानुपाती, पाती मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती किसके, एम के, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मोललता। अब ये बात मैं भी बोल सकता था, लेकिन मेरी बात मानी नहीं जाएगी। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि मेरे पास प्रूफ नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। तो इसका मतलब कि अब प्रोपोर्शनल साइन हटाना है, तो जिसने प्रैक्टिकल किया होगा उसने उसकी वैल्यू निकाली होगी। इसका मतलब क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू द के बी एम, के बी एम, के बी क्या है, यहां पर नियतांक है, जहां के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा, अब 90% जो बच्चे हैं ये मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा रटते हैं, और जब पेपर में डर के मारे, स्टार्टिंग में पेपर होता है तो पेपर के डर के मारे परिभाषा इसकी भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने रटा होता है, उसे बार बार रटा होता है, और थोड़ा सा डर जब उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर हम उसे भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने उसको समझा नहीं है। जब समझोगे नहीं तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो अब समझा कैसे जाए इसे, अभी आपने देखा हुआ है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू द के बी एम के। यदि एम बराबर एक हो जाए, एम क्या है, मोललता या मोलल सांद्रता, एम क्या है, मोलल सांद्रता या मोललता, तो एम बराबर एक हो जाए तो डेल्टा टीबी बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू द के बी। तो देखो इसका मतलब डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मतलब मोलल उन्नयन जो स्थिरांक के बी है ये बराबर है उन्नयन स्थिरांक के, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन के। डेल्टा टीबी क्या है,
क्वथनांक में उन्नयन, के भी क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक, दोनों बराबर है लेकिन कब है, यही आपका जो है इसकी परिभाषा है। पहले यहां जाएंगे इकाई मोलल सांद्रता पर m इज इक्वल टू वन, तो आप क्या बोलेंगे कि इकाई मोलल सांद्रता पर, इकाई का मतलब वन, m क्या है मोलल सांद्रता, क्या बोला इकाई मोलल सांद्रता पर, के भी डिफाइन करना है इसको बताना है, क्या बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर होता है क्वथनांक में उन्नयन, मोलल स्थिरांक क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। अब इस चीज को क्लियर कर लीजिए, काफी बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की परिभाषा के लिए, आपने ऊपर पढ़ा हुआ है डेल्टा टीबी बराबर केबी एम की, यदि एम बराबर हम वन लेते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर केबी के, केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ये क्या है क्वथनांक में उन्नयन, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी के बराबर होता है, लेकिन कब होता है इकाई मोलल सांद्रता पर, तो परिभाषा चलो एम बराबर वन है तो कैसे लिखेंगे इकाई मोलल सांद्रता पर, ये देखिए इकाई मोलल सांद्रता पर क्या क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है क्वथनांक में उन्नयन, मतलब डेल्टा टीबी के, बस यही आपकी परिभाषा है। फिर से सॉल्व कर लेते हैं, इकाई मोलल सांद्रता पर m बराबर वन है, क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी के बराबर होता है, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब हम क्वथनांक में उन्नयन हो गया, अब हम सेकंड अणुसंघ गुणधर्म पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, आप दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए, हिमांक में अवनमन कुछ तूफानी हो जाए इसलिए इसको ध्यान से देखते रहिए। हिमांक, हिमांक का मतलब गलनांक, गलनांक कमी, अवनमन का मतलब क्या, तो कमी घटना, अवनमन इसी हिमांक में अवनमन, मतलब कि जो टेम्परेचर उसमें उन्नयन में क्या था ताप, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा था, ये अवनमन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो टेम्परेचर होगा वो घटेगा, अवनमन उल्टा हो जाएगा उसको उसका, उसी हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। अब अवनमन को, हिमांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फ्रीजिंग, क्वथनांक को बॉइलिंग का बी इसीलिए लिख रहा था, हिमांक मतलब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का पहला अक्षर क्या है एफ, इसलिए हम हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करेंगे, रटना नहीं है, अगर आप रट रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आप यहां पे सीखेंगे इस वीडियो में। तो हिमांक में अवनमन को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे फिर वही कहानी, एक हम बीकर ले लिए, बीकर में हम सबसे पहले विलायक डालेंगे, नीले कलर का है विलायक है ये, भाई इसकी मात्रा ज्यादा है इसलिए हमने क्या ले लिया विलायक ले लिया, ठीक है विलायक, विलायक को किससे मैंने बोला प्रदर्शित करूंगा ए से। अब
मेरी गर्लफ्रेंड आई कैटू। अब आप पूछेंगे कैटू क्या है, गर्लफ्रेंड का नाम है। अब सोचेंगे गर्लफ्रेंड है नहीं, बस आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। जब आपको यहां पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है, आप समझो कि कैटू ने बोला कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर। मैं परेशान क्योंकि मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे मैं टेम्परेचर मेजर करूं। अब कैटू के सामने मुझे इंप्रेशन झाड़ना था, मैंने दोस्त को फोन किया, भाई जरा थर्मोमीटर देना अपना। तो दोस्त तो दोस्त होता है, ले भाई ले। अब मैं थर्मोमीटर लिया, उससे उसने मुझे दिया, मैंने थर्मोमीटर लिया, ऐसी होता थर्मोमीटर देखो। अब मैंने इसमें डाला, मैंने देखा जो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ब्लैक, मतलब कि जो आपका टी नॉट एफ है, मतलब विलायक का जो ताप है वो 50 डिग्री सेल्सियस। उसने बोला जानू जरा इसमें विलेय डालना, तो विलेय बी विलेय, मैंने तुरंत विलेय डाल दिया। विलेय को बी से प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने ये विलेय डाला तो घोल दिया मैंने इसको, ऐसे घोला। और जैसे मैंने इसको घोला और घोल के मैं क्या देख रहा कि ये विलेन बन गया। मैंने उससे कैटू से पूछ दिया अच्छा ये बताना तो ये बना क्या। उसने बोला जान सॉल्यूशन बना। मैंने कहा सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। उसने बोला विलेन। मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम्हें आता है, तो ये विलेन बना। अब विलेन के ताप को, विलेन के ताप मतलब विलेन के हिमांक को टीएफ। तो फिर थर्मोमीटर डाला मैंने, और जैसे थर्मोमीटर डाला तो उसका जो है टेम्परेचर हमको घट गया, उसका जो टेम्परेचर घटा वो हो गया 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटा। आपने क्वथनांक में 99 में देखा था कि टेम्परेचर बढ़ा था विलेय जैसे डाला था, और हिमांक के अवनमन में क्या होगा टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है घट रहा है। टेम्परेचर घट रहा, कितना घटा, एक 1 डिग्री सेल्सियस घटा है। इसका मतलब डेल्टा टी एफ बराबर किसके होगा, विलेन के ताप में से नहीं, अब किसका ताप ज्यादा है विलायक का, मतलब विलायक के ताप में से मैं विलेन के ताप को घटाऊं, उल्टा देखो ये देखो सॉरी टी एफ। इसका मतलब डेल्टा टी एफ बराबर कितना है 50, ये किसे घटाया मैंने यहां पर विलेन के ताप को, क्या हुआ हमारा 49, कितना आया 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस का ताप घटा, उसे ही हम क्या बोलते हैं हिमांक में अवनमन। परिभाषा कैसे बनाओगे देख लो, हिमांक में अवनमन ये देखिए, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ कॉमा विलायक के हिमांक, विलायक के हिमांक, विलायक के हिमांक मतलब टी नॉट एफ, तथा विलयन के हिमांक, विलयन के हिमांक, विलयन के हिमांक ब्रैकेट में टीएफ के अंतर के बराबर होता है। रटना नहीं, रटना और भी मेरे वीडियो में मेरे लेक्चर में रटना, इसका मतलब मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो है कि आप इसे ध्यान से देखें, इसका मतलब डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन किसके बराबर होता है, विलायक के ताप मतलब विलायक के हिमांक माइनस विलयन के हिमांक।
अब हम इसके आगे चलते हैं, अब हम एम क्या है बताया था अभी, मोललता, मोललता, मोललता या मोलल सांद्रता। तो आप यहां पर बेसिक टर्म्स में क्लियर कर लें, तो एम डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ, मोलल सांद्रता, मोलल सांद्रता एम के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या, साजन अमीर तो सजनी भी अमीर, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, अनुक्रमानुपाती। भाई साजन अमीर होगा तो सजनी भी अमीर होगी, भाई पति अमीर है तो पत्नी भी अमीर होगी आपका, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती किसके, एम के, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द के एफ एम के, जहां के एफ क्या है, मोलल, वहां पे उन्नयन था, यहां पर हिमांक, मोलल हिमांक स्थिरांक, ठीक है। अब परिभाषा, रटंत विद्या बहुत खतरनाक होती है, नंबर तो पा सकते हो लेकिन आईआईटी मेडिकल या अदर कंपटीशन किसी में भी सफल होने के लिए वहां पर ऑब्जेक्टिव आते हैं, और ऑब्जेक्टिव तभी क्लियर होगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब परिभाषा कैसे बनाओगे, याद रखना डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अब यही से परिभाषा बनना है, यदि एम बराबर एक हो जाए, मतलब मोलल सांद्रता क्या होगा, एक, मतलब एकांक मोलल सांद्रता या इकाई मोलल सांद्रता, कहीं कहीं बुकों में एकांक लिखा है, कहीं कहीं बुकों में इकाई लिखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एकांक मोलल सांद्रता मतलब अब एम बराबर वन रखोगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। अब परिभाषा कैसे बनाओगे, परिभाषा देख लो, क्या बोलोगे, एकांक मोलल सांद्रता पर, ठीक है, क्या बोलेंगे, एकांक मोलल सांद्रता पर या इकाई मोलल सांद्रता पर, m इज इक्वल टू वन है इसलिए एकांक मोलल, एकांक मोलल सांद्रता पर क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल, मोलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, या यहां पर देख लीजिए अगर वीडियो ना क्लियर हो तो, एकांक मोलल सांद्रता पर मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, के एफ किसके बराबर होता है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। फिर से पहले इसे याद करेंगे, एकांक मोलल सांद्रता पर केएफ मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ के बराबर होता है,
जिसे हम मोलर हिमांक स्थिरांक कहते हैं। यही हमारा परिभाषा है, इसी चीज को हमें क्लियर करना है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो है कि दो जो आपके अणुसंख्य गुणधर्म है उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। पहला जो है कि आपका क्या आता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा आपका आता है परासरण दाब। ये दो वीडियो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें जो है कि आपका ये दो आएंगे, आपके अणुसंख्य गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब। तो थैंक यू।